नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 बिक्रमगंज रोहतास। रविवार को काराका प्रखंड क्षेत्र के काराका पंचायत सरकार भवन पर विकास कार्य को लेकर मुखिया संघ की बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता मुखिया संघ अध्यक्ष सह काराकट पंचायत मुखिया योगेंद्र सिंह ने की। बैठक में प्रखंड के ग्राम पंचायत अंतर्गत विकास कार्य पर चर्चा की गई, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के वैसे पंचायत जहां बिहार सरकार पंचायत भवन का निर्माण अधूरा है, उस पंचायत में नवनिर्मित पंचायत भवन का जनता के कार्य हेतु कराने पर मुखिया संघ ने विशेष चर्चा किया। साथ ही साथ बिहार सरकार नल जल योजना, मनरेगा कार्य, विद्यालय चहारदीवारीकरण, हर घर शौचालय, सिंचाई हेतु करहा की खुदाई, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड सहित अन्य विकास कार्यों पर बैठक में विशेष बातचीत की गई। इस संबंध में मुखिया संघ अध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि सभागार में आपके नेतृत्व में मुखिया संघ के तहत बैठक का आयोजन किया है, क्या आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोगों का संघ 9 तारीख को इसका गठन हुआ था और उस गठन के बाद प्रथम बैठक का समय 16 तारीख को दिया गया था 12 बजे। उसमें हम लोगों ने, सारे मुखिया गणों ने मिलकर हम लोगों ने बैठक किया। इसका मुख्य एजेंडा आज का था पंचायत सरकार भवन। प्रत्येक ग्राम पंचायत जहां पंचायत सरकार भवन नहीं बना है, उसका हम लोग आपस में बैठकर यही बात किए कि अपने अपने ग्राम पंचायत से जमीन का चयन करके सीओ साहब से उसका मापी करा करके सीमांकन कराकर मजबूती के साथ एक साथ हम लोग जिला को प्रस्तुत करें, जिससे हम लोग काराकाट पंचायत अंतर्गत सभी लोगों का ग्राम पंचायत सरकार भवन बन जाए, जिससे काम करने में असुविधा सबको होने लगे, वहीं पर मेरा सारा सिस्टम आ जाएगा। पंचायत सरकार भवन का मतलब है कि प्रखंड नहीं जाने की आवश्यकता है, वो पब्लिक की पंचायत की सारी सुविधाएं वहां पंचायत सरकार भवन में निहित है। जैसे आज जाति, आय, निवास, जजा जाखिर खारिज, जन्म मृत्यु, जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ शुरू हो जाएगा बनना। तो इसके तहत हम लोगों ने ये मुख्य एजेंडा आज का यही रखा था। दूसरी एक और बात थी, पिछले वित्तीय वर्ष में 2020-21 में हमारे प्रखंड अंतर्गत 3 पंचायत सरकार भवन का चयन हुआ है, जबकि ये बजट 1,25,00,000 रुपया का है, जिसमें 92 लाख से लेकर 95 लाख तक प्रशासनिक स्वीकृति माननीय महोदय DM साहब के द्वारा दी गई है। तो जबकि वो मॉडल इस्टीमेट है, मॉडल इस्टीमेट के तहत 95 लाख रुपया केवल राशि काट करके प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई, तो इससे उस में मॉडल इस्टीमेट में हम कौन से पार्ट को 30 लाख रुपए का हमको नहीं बनाना है, या तो इसकी जानकारी हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से लेनी है, या उस राशि को दोबारा हम लोग अपील करेंगे महाशय के यहाँ कि इस राशि को 1,25,00,000 रुपया पूरा कर दिया जाए, जिस तरह मॉडल इस्टीमेट के अनुसार हम लोग इस पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा सकें। मुख्य मुद्दा हम लोगों का यही था और इसी को लेकर के हम लोगों ने बैठक किया था। अगली बैठक की तारीख 1 महीने बाद फिर हम लोगों ने रखी है, उसमें दिन फिर बैठक होगी। इसके बीच सारे मुखिया जी अपना अपना कार्य करेंगे, जो भी समस्याएं आएंगी पंचायत अंतर्गत उस दिन बैठक में इस बात को रखा जाएगा। शेष हमारे उपाध्यक्ष साहब जो संघ के हैं, इनसे जो वार्ता है ले ली जाए।